हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि बारिश में मैं अपने प्लांट्स को किस तरह से बचाती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे हमारे यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही है और इसके जाने के भी कोई आसार नहीं है, तो आपके भी ब्यूटीफुल से प्लांट ख़राब ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। सबसे पहले जैसे देखिए, मेरे पॉट में पानी भर गया है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको दिन में 2 से 3 बार इसे टेढ़ा करके इसका सारा पानी निकाल देना होगा। हमें गमलों में पानी नहीं भरने देना है, क्योंकि अगर गमलों में पानी भरा रह जाएगा तो डेंगू के मच्छर बहुत तेज़ी से पैदा होते हैं और हमारे प्लांट्स के सड़ने का भी खतरा बना रहता है। इसके बाद अगर आपने पॉट्स के नीचे ट्रे लगा रखी है एक्स्ट्रा वाटर के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बारिश में इसमें काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे ये रूट्स को पानी देते रहता है और रूट्स के सड़ने का खतरा बना रहता है। इसलिए पहले तो इस पानी को हटा दीजिए, फिर आप इस ट्रे को उल्टा कर दीजिए। देखिए, मेरा पॉट छोटा है इसलिए मैं इसके ऊपर रख दूंगी। आप चाहें तो इस ट्रे को हटा भी सकते हैं। जो अगला आपको काम करना है वो ये कि आपको ड्रेनेज होल चेक करना है। अगर मान लीजिए उसमें कोई ब्लॉकेज है, मिट्टी फंसी है या फिर कोई पत्ती वगैरह फंस गई है, तो आप इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से उसे क्लीन कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन होते रहे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा गार्डन तो नया है इसलिए इस साल मुझे इन होल्स के ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी, बट नेक्स्ट ईयर जब इन प्लांट्स की रूट थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इन होल से रूट भी बाहर आने लगती हैं और मिट्टी, कभी कभी पत्ती वगैरह फंस जाती है। जो अगला काम आपको करना है वो ये कि आपके प्लांट में ज़्यादा पानी ना भरे, इसलिए आप ऊपर तक मिट्टी भर दीजिए। जैसे देखिए, मैंने अपने पॉट में ऊपर तक मिट्टी भर दी है और जो आपके फूल और पत्ती वगैरह रोज़ गिरते हैं उन्हें भी क्लीन कर दीजिए। देखिए, ज़्यादा मिट्टी भरने से क्या होगा कि इसमें ज़्यादा पानी जमा नहीं होगा। अगला काम जो आपको करना है वो आपके सकलेंट प्लांट हैं, जैसे ये कलांचो है या फिर आपका क्रासुला है या फिर हावर्थिया है, ये जो भी आपके सकलेंट वैरायटी के प्लांट हैं या फिर यूफोर्बिया मिली है, कैक्टस है, इन सबको आपको शेड में रखना होगा। इन्हें डायरेक्ट रेन वाटर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए आप इन सभी प्लांट को कोशिश करिए कि आप छाया में रखिए जहाँ पर बारिश का पानी ना आए, या फिर इनके लिए आप आर्टिफिशियल शेड तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास प्लांट को रखने के लिए शेड नहीं है और आप आर्टिफिशियल शेड भी तैयार नहीं कर सकते, तो मैं बताती हूँ आपको एक मस्त सा तरीका जिससे आपके प्लांट रेन वाटर से बचे रहेंगे। आपको लेना है एक ऐसा प्लास्टिक, ये किसी भी सामान के साथ हमारे घरों में आता ही है, इसको बीच से इस तरह से कट कर दीजिए और आपको जिस भी गमले में लगाना है उसमें आप इसको तने के पास इस तरह से लगा दीजिए और इसे कवर कर दीजिए, एक के ऊपर एक सिरे को चढ़ा दीजिए। इससे बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा और आपके प्लांट्स बचे रहेंगे। अगर आप इस प्लास्टिक को अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि ये उड़े नहीं हवा से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।